सफेद मक्खी से बर्बाद हुई नरमे व कपास की फसल के मुआवजा ना दिए जाने की मांग को लेकर अब किसानों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जी हां, पिछले कई महीनों से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से अब किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है और इसी के साथ ही किसानों ने अब अपना मरण व्रत भी शुरू कर दिया है। किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार 30,000 रुपए के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि दे। इसी के साथ ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और इसके अलावा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत कर दी है। कैमरा सहयोगी चरणजीत के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी, मंडी, डबवाली। कर दियो जी बंद।